क्लास में हम पढ़ रहे हैं संरक्षण के नियम मूल कणों के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि मूल कणों के क्षय और अभिक्रियाएं कुछ भौतिक राशियों के संरक्षण के नियम से नियंत्रित होती है, और इन संरक्षण के नियम की दो कैटेगरी हैं, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट, जिसमें अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ में आज हम कंप्लीट करेंगे पैरिटी कंजर्वेशन लॉ एंड चार्ज कंजर्वेशन सिमेट्री लॉ, बाकी सब हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं पैरिटी संरक्षण का नियम। पैरिटी भी इसका साथ में हिंदी में नाम समता या इसको हम युग्मिता भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पैरिटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल की किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम एक वेव फंक्शन यूज करते हैं, तरंग फलन, जिसे जनरली साई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो साई है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? जो कण है उसकी स्थिति पर, जिसे आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, साथ में उसके स्पिन पर निर्भर करता है। तो वेव फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट, जो कण की स्थिति पोजिशन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ में स्पिन पर डिपेंड करता है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं देन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेंगे, अगर हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो आर थीटा फाई, इस तरह से हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब जो पैरिटी की प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड है स्पेस इन्वर्जन से। स्पेस इन्वर्जन का प्रोसीजर तो मतलब हम इस तरह का अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जिसमें आर इज कन्वर्टेड इनटू माइनस आर, ठीक है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बनाते हैं तो उसका स्पेस इन्वर्टेड न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेव फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पर उसकी पैरिटी डिपेंड होती है। तो द वेव फंक्शन कैन बी बिहेव इन टू मैनर्स। जब हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं स्पेस इन्वर्जन का, देन वेव फंक्शन कैन बिहेव लाइक साई माइनस आर एस सिमिलर, जो ओरिजिनल है उसी की तरह रह सकता है, या फिर विथ माइनस साइन। ये दो केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि जब फर्स्ट वाला केस है, जब आर को माइनस आर चेंज करने पर, स्पेस इन्वर्जन करने पर जो वेव फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, तो इस केस में जो पैरिटी है वो इवन कहलाती है, और दूसरे केस में पैरिटी ऑड कहलाती है। अगर पैरिटी ऑपरेटर को यूपी ऑपरेटर से लिखें और इसका जो आइगन वैल्यू को पी से लिखें तो यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यू प्लस वन और उसकी आइगन वैल्यू माइनस वन कहलाती है, इवन और ऑड पैरिटी, ठीक है, बाय कन्वेंशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरिटी एंड पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मूल कणों के केसेस में कन्वेंशनली जो मेसोन्स हैं उनकी जो नैच पैरिटी है उसको ऑड माना गया है, विषम माना गया है, ठीक है। तो मेसोन्स में जो पार्टिकल है वो बोसोन की कैटेगरी के हैं, स्पिन जीरो पार्टिकल, तो वो इस तरह से उनको डिनोट करते हैं, जीरो उनके स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, पर प्लस या माइनस जो लगाते हैं वो पैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं वो स्यूडो स्केलर होते हैं। जो बेरियोन्स हैं उनकी जो पैरिटी है उसको इवन माना गया। अब पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज है पैरिटी के केस में, जो बोसोन और फर्मियोन के लिए, बोसोन के केस में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की पैरिटी सेम होती है, लेकिन फर्मियोन के केस में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की पैरिटी अपोजिट होती है। अब हम बात करते हैं पैरिटी संरक्षण का नियम। जैसा हमने देखा ये कि अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ की कैटेगरी में आता है, मतलब कि जो प्रबल बल है और साथ में जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं हैं इन दोनों में पैरिटी का कंजर्वेशन होता है। बट वीक इंट्रैक्शन के केसेस में जो पैरिटी है उसका कंजर्वेशन नहीं होता, और ये जो
वीटा डिग्री का एग्जाम्पल है इंट्रेक्शन का, जहाँ पैरिटी वॉयलेशन का पता चला। ये स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए यंग एंड ली ने 1957 में जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, जिन्होंने पैरिटी वीक इंट्रेक्शन में पैरिटी वॉयलेशन को डिस्कवर किया था। नाउ नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ इज आवेश संयुग्मी सम्मिति, चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। ये चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री भी पैरिटी की तरह एक डिस्क्रीट सिमेट्री है। और इस केस में क्या होता है कि जब ये वाला सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ये जब हम करते हैं तो जो डायनामिक वेरिएबल है लाइक मोमेंटम स्पिन ये चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जो पार्टिकल है वो एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस केस में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो जो सिस्टम के डायनामिक वेरिएबल है दे डज नॉट चेंज, बट जो पार्टिकल है वो एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में अगर हम चार्ज कॉन्जुगेशन के जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ऑपरेटर को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा कि जो भी अपना पार्टिकल है उसके जो क्वांटम नंबर में जो चेंजेस हैं उसका जो चार्ज है वो चेंज होकर माइनस क्यू हो जाएगा। जो उसका बेरियन नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी अपोजिट हो जाएगा। लेप्टॉन नंबर है तो वो भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। स्ट्रेंजनेस है तो वो भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो इनके चिन्हों में परिवर्तन आता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि आवेश संयुग्मी सम्मिति अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करें तो इस केस में जो डायनेमिक वेरिएबल है लाइक मोमेंटम एंड स्पिन इनमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन पार्टिकल एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और डिटेल में अगर हम जाएं तो ये क्वांटम नंबर क्यू बी एल एस ये भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आवेश संयुग्मी सम्मिति इसका जो संरक्षण है ये वीक इंट्रेक्शन में नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेक्शन में इसका पालन होता है। यहाँ ये देखने में आया कि जो वीक इंट्रेक्शन है उसके केस में ना तो पैरिटी कंजर्वेशन हो रहा है ना ये चार संयुग्मी सम्मिति वाला कंजर्वेशन हो रहा है। इंडिविजुअली इसमें पी पैरिटी और चार्ज कॉन्जुगेशन ये दोनों असंरक्षित रहते हैं, लेकिन वीक इंट्रेक्शन के केसेस में दोनों का जो कंबाइंड सी पी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका वो राशि मिलकर अपनी संरक्षित रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया कि जो संरक्षण नियम है मूल कणों के केसेस में जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ जिसमें छह है, ऊर्जा आवेश संवेग कोणीय संवेग बेरियन नंबर लेप्टॉन नंबर, और दूसरा अप्रोक्सीमेट जो कि वीक इंट्रेक्शन में जिनका पालन नहीं होता, उसमें चार कैटेगरी के आज हम देखें। अब इससे रिलेटेड हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि किस तरह से कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, उनके बेसिस पर इन सभी संरक्षण के नियम के आधार पर चेक करना। लाइक एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि संरक्षण के नियमों का उपयोग करके हमको इस अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी कि वो क्या वो संभावित है या नहीं है उसको अगर हमें चेक करना हो। दैट द इक्वेशन इज गिवन एज पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन इज पाई माइनस प्लस पी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें चेक करने का तरीका होता है चार्ज। चार्ज काफी ऑब्वियसली सबका अपने पार्टिकल का पता है, तो चार्ज कंजर्वेशन होने के लिए अपने देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्शन से पहले और बाद में दोनों टाइम हम चार्ज की वैल्यू देखेंगे और देखेंगे जो चार्ज में अंतर है वो कितना आता है। अगर चार्ज में अंतर जीरो आ जाएगा तो मतलब वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, फिर हम आगे दूसरे कंजर्वेशन लॉ पे बढ़ेंगे। चार्ज की बात करें तो ये पाई प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस वन, एन इज न्यूट्रॉन चार्ज इज जीरो, पाई माइनस नेगेटिव चार्ज माइनस वन, प्रोटोन पे चार्ज प्लस वन। तो यहाँ पर चार्ज प्लस वन आ रहा है, यहाँ चार्ज जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर जो डेल क्यू है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आवेश संरक्षण का जो नियम है उसका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये असंभावित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख के चलें, लेट इक्वेशन इज गिवन एज
पाई जीरो गामा प्लस गामा। इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को अगर हम चेक करें तो सबसे पहले आवेश संख्या अपने देखें, चार्ज के हिसाब से पाई जीरो जीरो चार्ज है, गामा पार्टिकल है, दोनों चार्ज लेस हैं जीरो जीरो, दैट मीन्स डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स आवेश का संरक्षण का नियम यहाँ पर पालन इसका हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम बेरियन नंबर पे, बेरियन नंबर, बेरियन जो पार्टिकल बेरियन की कैटेगरी में है उनका बेरियन नंबर प्लस वन होगा, उसके एंटी पार्टिकल माइनस वन होगा, जो बेरियन नहीं है उनके लिए बी की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर पाई जीरो और गामा दोनों में से कोई भी बेरियन नहीं है, तो दिस इज जीरो जीरो जीरो, दैट मीन्स डेल बी इज ऑल्सो जीरो, यहाँ पर बेरियन नंबर का भी कंजर्वेशन हो रहा है। इसी तरह से लेप्टॉन नंबर भी देखें तो कोई सा भी इसमें लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन भी है। अगर हम विचित्रता की बात करें, स्ट्रेंजनेस की बात करें, तो इसकी स्ट्रेंजनेस भी जीरो है, इनकी भी जीरो है, तो स्ट्रेंजनेस भी इसमें कंजर्व हो रही है। साथ में आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट आई थ्री की बात करें तो वो भी इनके लिए जीरो जीरो है, तो दैट मीन्स सारे कंजर्वेशन लॉ का इसमें पालन किया जा रहा है। तो संरक्षण के नियम के आधार पर ये जो रिएक्शन है इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसी तरह का एक थोड़ा सा एग्जांपल हम देखें जिसमें कि रिएक्शन दे रखी हो और उसमें कोई एक पार्टिकल को एक्स मानकर आपको पता करना हो, तो उसका एग्जांपल हम करते हैं। लेट द इक्वेशन गिवन इज पाई माइनस प्लस पी गिव्स पाई जीरो प्लस सम वेरिएबल एक्स, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस एक्स। तो ये इक्वेशन दे रखी है जो कि संभावित है, तो संरक्षण के नियमों का पालन करते हुए वो यूज करते हुए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस पार्टिकल एक्स। तो सबसे पहले हम आवेश संख्या के लिए देखें, चार्ज पाई ऑन नेगेटिव माइनस वन चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस वन, पाई जीरो पे चार्ज जीरो, एक्स पे जो चार्ज है वो क्यू हमें फाइंड आउट करना है, चार्ज ऑफ क्यू एक्स, क्योंकि ये संरक्षण के हिसाब से संभावित है। तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में ये बैलेंस होनी चाहिए, तो यहाँ से क्या चीज आती है, दैट मीन्स क्यू एक्स इज जीरो, तो एक्स इस तरह का पार्टिकल होना चाहिए जिसपे चार्ज की वैल्यू जीरो के बराबर है। अब चलते हैं बेरियन नंबर पे, पायोन जो है वो बेरियन नहीं है तो इसका बेरियन नंबर जीरो है, प्रोटोन एक बेरियन नंबर है तो इसका बेरियन नंबर प्लस वन है, पायोन बेरियन नंबर जीरो और एक्स का बेरियन नंबर बी एक्स, दैट मीन्स बी एक्स इज वन। तो जो ये अननोन पार्टिकल है उसका बेरियन नंबर वन है, मतलब वो बेरियन की कैटेगरी का होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेंजनेस पे, हम देखते हैं कि यहाँ पर पायोन और प्रोटोन ये हैं, ये सब स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। स्ट्रेंजनेस वाली कैटेगरी में कौन से पार्टिकल थे, के मीजोन्स और हाइप्रोन्स, उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं सबका जो विचित्रता संख्या है वो जीरो के बराबर है। तो दिस इज जीरो प्लस जीरो प्लस टू जीरो प्लस एक्स पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस, दैट मीन्स एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जो पार्टिकल है उसकी स्ट्रेंजनेस जीरो आ रही है। आइसोस्पिन का जो थर्ड कॉम्पोनेंट है आई थ्री की वैल्यू देखें, तो इसमें हम देखते हैं पाई माइनस के आई थ्री की वैल्यू होती है माइनस वन, प्रोटोन के लिए इसकी वैल्यू प्लस हाफ, पाई जीरो के लिए इसकी वैल्यू जीरो, और ये हमें पता कर दी, दिस गिव्स आई थ्री ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर हम संरक्षण के नियमों की पालना करें उसको देखते हुए इस इक्वेशन को हम देखते हैं, तो जो अननोन पार्टिकल है वो इस तरह का आता है जिसका चार्ज जीरो है, जो एक बेरियन है जिसकी स्ट्रेंजनेस जीरो है, और जिसका जो आई थ्री है कंपोनेंट वो माइनस हाफ के बराबर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये लीड करती है कि ये वाला पार्टिकल न्यूट्रॉन है, क्योंकि हमने देखा कि चार्ज जीरो आ रहा है, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, बेरियन नंबर का प्लस वन है, तो बेरियन आपके पास बेरियन की कैटेगरी में हम देखते हैं न्यूक्लियोन और हाइप्रोन होते हैं, लेकिन हाइप्रोन सबकी स्ट्रेंजनेस नंबर नॉन जीरो होता है, तो ये न्यूक्लियोन ही होगा, लेकिन इसका चार्ज जीरो आ रहा है तो ये प्रोटॉन नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये न्यूट्रॉन होगा, और हमें पता है कि न्यूट्रॉन का जो आई थ्री कॉम्पोनेंट है वो माइनस हाफ के बराबर है। तो इस तरह हम देखते हैं कि संरक्षण के नियमों का पालन करके हम जो अभिक्रियाएं दी हुई होती हैं उनकी संभाव्यता की परीक्षा कर सकते हैं।